हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं आपको एक डेस्टिनेशन पर ले जा रहा हूँ। देहरादून की बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है और सुबह के 6 बज रहे हैं और हम डेस्टिनेशन की तरफ अपने होप की हमको इस जगह बहुत पसंद आई हुई और आजकल स्पेशली जब लॉकडाउन है और सब लोग घरों में कैद हैं, यूजुअली वहाँ पे देहरादून की बहुत चिंता होती थी इस टाइम पे गर्मियों के, बट अभी सब लॉकडाउन है तो सब नहीं जा रहे हैं उधर। चलो चलते हैं। मौज कर दी, चले फिर क्या चल रहा। तो दीपक कहाँ रखे हम फिर आज? हम सिकर फॉल आ रखे हैं और ये आसू भाई का चैनल है, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत डेंजरस रास्ता है, एक तो बहुत ढलान है, ऊपर से गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। जी को बोलना पड़ेगा रोड की मरम्मत कराएं, कृपया करके। चुनाव कब आ रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं ना, तब थोड़ा बहुत हो जाएगा। ये रोड टिकती नहीं है वैसे। कैसे टिकेगी भाई? बारिश में पूरा वैसे आता है, कितना पानी आता होगा। कहीं कुछ चाय पानी मिल जाए तो चाय पानी पी लें हम, है ना। हाँ, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बहुत दूर से आए हम। तो जहाँ हम आ रखे हैं उस जगह का नाम है शिखर फॉल। देहरादून की कितना दूर होगा यार यहाँ से? 8-9 किलोमीटर होगा। बहुत ही अच्छी जगह है, आजकल लॉकडाउन है। और मेरे साथ, मैं बताना भूल गया, मेरे साथ है मेरा दोस्त दीपक रावत और हम अभी जा रहे हैं शिखर फॉल। हम वहाँ नहाएंगे नहीं या फिर ऐसा कुछ एडवेंचर नहीं करेंगे, बस चेक करने जा रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान, अरे सामने ही मिल गया कंटेंट तो इस लॉकडाउन के दौरान हमारी जो ये प्राकृतिक धरोहरें हैं वो कैसी हैं और उनका हालचाल कैसा है। लेकिन अभी जैसे मैं बात कर रहा था आपको तो मैंने हालचाल दिखाई दिया कि सफाई का क्या हाल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही दूर है। बहुत अच्छा फॉल है, मैं लास्ट टाइम शायद 2-3 साल पहले आया था। हाय, इतने टाइम, 2 महीने बाद हम घर से बाहर निकले, चाहे दीपक हो या मैं हूँ। जो आपने लास्ट ब्लॉग देखा था शादी वाला, बस उसी दिन निकला था, उसके बाद तो बाहर ही नहीं निकले। और ऐसे मतलब कि बहुत बोर हो गए थे घर में, तो सोचा कि कोविड के नियमों के साथ, अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ें, इसके साथ हम थोड़ा घूम के आते। दीपक को मनाया, भाई चल ले थोड़ा कहीं, तो ऐसी जगह कहाँ हो सकती है जहाँ पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हो, मतलब जहाँ लोग ना हो और थोड़ा जहाँ हमें मास्क ना पहनना पड़े। और तो आए, दीपक ने बोला कि शिखर फॉल चलते हैं और वहाँ पे चेक भी कर लेंगे कि आजकल वहाँ पे लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और सफाई का ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे। अभी शायद बहुत दूर है, रिस्क तो ले लिया आने का, चढ़ पाते हैं कि नहीं। देखो कितना अच्छा है मौसम, मतलब ना हवा एकदम सुंदर हवा चल रही है, ठंडी हवा जून के महीने में। और अगर मेरे दोस्त आप दिल्ली या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से देख रहे हो जहाँ आजकल 42, 43, 45 आम बात है, देहरादून 10 किलोमीटर कहीं भी निकल जाइए और किसी भी मौसम में ऐसी हवा और ऐसा वातावरण आपको मिल जाएगा, तो उत्तराखंड में आइए और देहरादून में भी आइए, मतलब कहीं भी आइए, उत्तराखंड के कहीं भी आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। और प्लीज़ इसको ख़राब मत कीजिए, ख़राब इन द सेंस कि प्लास्टिक कूड़ा इधर उधर फेंक के या फिर बाल उड़ रहे।
यहाँ चाय होती तो बात ही लगती, पर बंद हो रहा है लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। इस बार इतना पानी नहीं दिख रहा है यार यहाँ पे, वही तो है? काफी कम पानी है यहाँ पे, काफी पानी। ये देखो पुलिया लग रही है छोटी सी, कोई गांव वाँव का रास्ता जाता होगा? हाँ गांव होगा, ऊपर पीछे रास्ता है हैंग पीछे से तो वो तो ठीक है। फॉल कहाँ गया हमारा? फॉल तो ऊपर है अभी, फॉल पे इधर भी छोटा सा फॉल हुआ कर दो यार, टूट गया वो पत्थर, आ गया ना देखो सारे भाई, तो अभी पत्थर भी नहीं भयंकर रह गया। कोई गेट नया लगा नहीं? चल कितना दूर रह गया फॉल, आ गया पहले ये बता चले जाएंगे? बैटरी लो गई यार इसकी। हाँ बैटरी दूसरी है, जींस पहन के आ रखे थे भाई। आराम से आराम से, देखिए इतना खतरनाक फॉल है, रास्ता ही इतना भयंकर है यहाँ का। देखिए फॉल पहुँच चुके हैं पर जाना कैसे है? ओ भाई साहब, ये आप देख सकते हैं हमारी प्राकृतिक धरोहर की हाल, हर जगह बॉटल। चलो तो और देखिए कितना कठिन रास्ता है, आप देख सकते हैं भाई जी चढ़ गए हमारे, ये मैं कैसा हूँ वो देखिए यहाँ चढ़ने के लिए बहुत कठिन है। आराम से वीडियो बन रही जो
तो अभी हम बैठे हैं शिखर फॉल पे, सुबह के 7 या 7:30 हो रहे, और मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, क्लियर या नहीं आ रही है, लेकिन सुकून जो यहाँ पे है वो कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो अल्टीमेट है, वो बस हमारे पास है, उत्तराखंड वालों के पास है। और वो सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो बात ही क्या है ना, आप देखो ये एकदम आइए कभी उत्तराखंड घूमिए, घूमिए और शिखर फॉल आइए, आराम से आइए। देखो हम लोग तो पहाड़ी हैं तो हमें ये सब पीस ऑफ केक है हमारे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा आराम से आइए, ब्लॉग पूरा देखना, हम और भी वीडियो बनाएंगे, और भी वीडियो बनाएंगे इस पर। और ये है तो अभी हमारा हो गया वापस जाने का टाइम, तो चले भाई, चलो चलो लेट्स गो। तो वापस चलते हैं, आए थे हम यहाँ से और जा रहे हैं यहाँ। ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, ये कह रहे हैं, आप एंड तक देखिएगा। मेडिकल में फार हो गया, आई साइड वीक थी। आराम से आइए भाई, भाई देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर चढ़ाई है, चढ़ ही नहीं पा रही है स्कूटी आसू भाई की, अकेले चल सकती है, बिठा के तो बहुत दिक्कत है इसमें, पार्ट लगा दिया आसू भाई ने मेरी यार चला चला के। देखिए सुबह की पहली चाय विद आसू भाई।